हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास सिक्स के इंग्लिश के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के लेसन नंबर 3 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द किंग एंड द स्पाइडर। बहुत ही अच्छा लेसन है बच्चों, तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। इस लेसन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हाउ वर द पीपल इन द किंग्स किंगडम। जो राजा था उसके जो जनता थी, जो प्रजा थी, वो कैसी थी? मतलब वो खुश थी क्या, डिप्रेस थी, कैसी थी? तो वो बच्चों हैप्पी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है वेयर डिड द किंग हाइड हिमसेल्फ। जब राजा युद्ध को हार गया तो उसने अपने आप को कहाँ पर छुपाया? तो इसका आंसर हो जाएगा इन अ केव, एक गुफा में उसने अपने आप को छुपाया। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 3 है, ये है व्हाट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ वरी। वरी का हमें पास्ट टेंस देना है, तो वरी का पास्ट टेंस हो जाएगा वरीड। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है मेक अ कंपाउंड वर्ड विद द रेन एंड ड्रॉप। रेन और ड्रॉप को हमें जोड़कर एक कंपाउंड वर्ड लिखना है, तो इसका आंसर होगा रेन ड्रॉप, ठीक। हमने जोड़कर इसे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ क्रूअल। हमें क्रूअल का हमें अपोजिट देना है, ठीक है। तो क्रूअल का अपोजिट हो जाएगा बच्चों काइंड। यहाँ पर ये जी है, के आई जी किंग लिख गया है, लेकिन आप लिखिएगा के आई एन डी काइंड, ठीक है। जो छोटी सी मिस्टेक हुई है उसके लिए बच्चों आपसे सॉरी, ठीक है। ये स्पेलिंग है काइंड, काइंड का मीन्स होता है दयालु। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 6 है, ये है पिक एंड राइट ऑड वन आउट। यहाँ पर बच्चों हमें कुछ वर्ड दिए हैं, जैसे कि आर्मी, क्राउड, स्टूडेंट एंड टीम। तो इसमें से जो अलग वर्ड है उसे हमें छांट कर लिखना है। तो ये आर्मी है, क्राउड है और टीम है, ये तीनों में तो कुछ ना कुछ समूह है ये बच्चों, पीपल्स के समूह हैं। लेकिन स्टूडेंट किसी एक छात्र को कहा गया है, इसमें सिर्फ सिंगल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑड होगा वो होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है हु टॉट द लेसन टू द किंग। लेसन को सीख किसने दी, सॉरी किंग को सीख किसने दी, किसने शिक्षा दी? तो इसका आंसर होगा स्पाइडर टॉट द लेसन टू द किंग। जब राजा हार मानने लगा था तो एक स्पाइडर यानी मकड़ी ने उसे ये सीख दी कि हमारे सामने कोई भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो, हमें हार नहीं मानना चाहिए और कोशिश करना चाहिए जब तक कि हम उसमें कामयाब ना हों। 8 है, ये है व्हाट हैपन टू द सोल्जर्स आफ्टर दे हैड लॉस द बैटल। तो राजा के जो सैनिक थे उनका क्या हुआ जब वो युद्ध हार गए? तो इसका आंसर होगा मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड एंड अदर्स रन अवे टू सेव देयर लाइव्स। बहुत सारे उसके सैनिक भाग खड़े हुए और बहुतों ने अपने भाग कर जान बचाई जब वो युद्ध को हार गए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये है द स्पाइडर सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग द वॉल। इफ द स्पाइडर हैड गिवन अप व्हाट वुड हैव हैपन्ड। इस क्वेश्चन का मीन है बच्चों कि स्पाइडर बार बार कोशिश करता रहा तो वो बॉल पर चढ़ गया, ठीक है, बॉल पर चढ़ गई मकड़ी थी वो। इफ़ द स्पाइडर हैड गिवन अप, अगर वो हार मान लेती तो व्हाट वुड यू हैव हैपन, तो क्या होता? अगर वो बच्चों हार मान लेती तो राजा भी हार मान लेता है ना। तो राजा ने जब देखा कि इतनी छोटी सी होकर स्पाइडर हार नहीं मान रही तो मैं क्यों हार मानूं, है ना। तो राजा ने फिर दोबारा कॉन्फिडेंस उसका वापस आ गया। तो इसका आंसर लिखेंगे हम इफ़ द स्पाइडर डिड गिव अप द किंग नेवर गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक। अगर स्पाइडर हार मान लेती तो जो राजा था उसका कॉन्फिडेंस कभी भी वापस नहीं आता। अब चलो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हो व्हाट डिड द किंग लर्न फ्रॉम द स्पाइडर। किस पर जो किंग था उसने स्पाइडर से क्या सीखा? तो इसका आंसर होगा द किंग लर्न फ्रॉम द स्पाइडर, इफ़ एट फर्स्ट वी डोंट सक्सेड वी शुड ट्राई अगेन। तो जो किंग था, जो राजा था, उसने स्पाइडर से ये सीखा कि यदि हम पहली बार में सक्सेस नहीं हो पाते तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि हम सक्सेस नहीं हो पाते हो जाते। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, ये अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द स्टोरी। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं जो कि सीक्वेंस से नहीं है, हमें इन्हें स्टोरी के हिसाब से सीक्वेंस में जमा कर लिख देना है। तो बच्चों यहाँ से आप आंसर देख कर लिख सकते हैं, मैंने इन्हें अरेंज कर लिख दिया है।
जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 था उसका कंप्लीट आंसर यहाँ पर है, यहाँ से आप देखकर उसका कंप्लीट आंसर लिख सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, ये है कंप्लीट द वर्ड पजल यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं जैसे आर्मी, टीम, बंडल, क्राउड, बंच। तो ये इन वर्ड्स का यूज़ करके हमें इस पजल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं हम, बी से आ गया बंच, इस जगह पर हमने लिख दिया बंच, ठीक। इधर हमने बी से बंडल लिख दिया, बी यू एन डी एल ई, बंडल, ठीक। और फिर हमने यहाँ पर लिख दिया क्राउड, इस जगह पर हो गया हमारा क्राउड, यहाँ पर हो गया टीम, और यहाँ पर आ गया आर्मी। इस तरीके से हमने इस पजल में जमा दिया है। तो आप भी इसी तरीके से लिख लीजिएगा बच्चों। तो बच्चों ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।